अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। तो इनको मैंने 14 नंबर फीड दी है और उसके साथ दलिया है, ठीक है। शाम का वक्त है और ये इंजॉय कर रहे हैं अपना लंच कह लें या डिनर कह लें, जो मर्दी कह लें, क्योंकि इसके बाद तो इन्हें कोई खाना नहीं मिलना और इन्होंने बंद हो जाना है। तो चेंजिंग की है मैंने थोड़ी सी, चेंजिंग क्या की है, जो मुर्गा आपको जो दिख नज़र आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है, ये पहले गंजी मुर्गी के साथ मैं रखा हुआ था, लेकिन अब मैंने ये उठा के इन बच्चों वाली मुर्गी के साथ कर दिया। उसकी वजह ये है विवर्स, इसकी वजह ये है, उसकी वजह यह है कि ये दोनों जो है ना नहीं लड़ते, ये मुर्गी और मुर्गा ये नहीं लड़ते आपस में। और जबकि चूज़े भी जो है ना वो आराम से, और मुर्गा बड़ा शरीफ से है माशाल्लाह से, वो चूज़ों को या मुर्गी को नहीं मारता। तो इन दोनों का मैंने बिल्कुल इकट्ठा कर दिया ताकि ये आराम से, मतलब कि इनका एक छटा बन जाए। जबकि अगर इसके साथ मैंने बच्चे वाली जो मुर्गी थी वो जब इसके साथ रखी हुई थी, तो ये वाली जो मुर्गी है, ये वाली असील, ये उसको मारती थी, वो असील क्रॉस है, तो इसलिए वो इसके से लड़ नहीं सकती। और वैसे भी वो वेट में कम है, तो छोटी भी है साइज में, तो इसलिए ये उससे मतलब कि बर्तरी लेती थी, और वो बेचारी डरी रहती थी। उसके चूज़े भी अक्सर इसके जो है ना चोंच वगैरह लगने की वजह से थोड़े बहुत ज़ख्मी हुए थे, और मेन जो चीज़ है वो डर उनके दिल में बैठ जाता है। तो वो मैंने जो मुर्गी है वो उठा के कर दी है उसके साथ, क्या उसका नाम है, गंजी मुर्गी। तो अब वो दोनों आपस में नहीं लड़ते और ये दोनों आपस में नहीं लड़ते। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चूज़े जो यहाँ पल रहे हैं ये भी अच्छे पल जाएंगे, और जो उधर चूज़े पल रहे हैं इंशाल्लाह वो भी अच्छे चूज़े पल जाएंगे, और ये भी स्ट्रेस में नहीं रहेंगे चूज़े, और वो भी स्ट्रेस में इंशाल्लाह नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा गर्मी आजकल अच्छी खासी है, तकरीबन 40 प्लस टेम्परेचर चला जाता है दिन को आराम से, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक तो इनको पानी में जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी आपने ग्लूकोज डाल कर देना है, 1 लीटर पानी में 5 ग्राम, यानी कि 1 चम्मच, ठीक है। ये एक चीज़ होगी, और जो पानी है वो आपने मिट्टी वाले दिखाता हूँ, पानी आपने इसमें डाल कर देना है। ये जो है मिट्टी का ये बर्तन है, और इसमें जो पानी है ये ठंडा रहता है, ठीक है। चाहे धूप भी पड़े चाहे जो मर्जी हो, लेकिन वैसे आपने छाँव में रखना है तो पानी इसमें ठंडा रहता है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो पानी है वो ठंडा रहता है, आराम से ये पी भी लेते हैं और ये आराम से धुल भी जाता है, जबकि जो प्लास्टिक है उसमें गर्म हो जाता है पानी, और वो उसमें से ये पानी पीते भी नहीं है, ठीक हो गया। इसके अलावा जब आप देखें कि ये जो ग्लूकोज एक हफ्ते में एक दफ़ा आपने देना है, ठीक है, वो ठंडा करते हैं आपके जानवरों को, परिंदों को, और जो भी है अगर वो न्यूट्रिएंट्स या कमज़ोरी मनाते हैं तो वो भी मतलब कि वो पूरी करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो कमी पूरी करते हैं एनर्जी की, अच्छा जी। और इसके बाद जो है आपने हफ्ते में 2-1 दफ़ा लाजमी आपने ORS देना है, क्योंकि जब ये ग्लूकोज पीते हैं तो इन्हें मोशन टाइप से लग जाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं ये, और ये मोशन टाइप से करने लग जाते हैं। तो जब आप इन्हें ORS देंगे तो इनके अंदर जो नमकियात की कमी होगी ख़ास तौर पर वो नहीं होगी, वो मतलब कि मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। अभी आपने देखा मुर्गा जो है ना छींके और हमारा ऐसे हो जाता है, जब ये जो है ना फीड और दलिया मिक्स करके जो मैंने दिया हुआ है ये है गीला असल में, ठीक है। ये मैं गीला करके देता हूँ क्योंकि जो खुश्क होता है वो इनके गले में जो है ना फंस जाता है, क्योंकि गला खुश्क होता है ये पेंटिंग कर करके, तो इसलिए फिर जो है ना मैं इनको लाजमी गीला करके देता हूँ। इसके अलावा बस आपने इनको छाँव में रखना है, थोड़ा टेम्परेचर जहाँ पे ज़रा कम हो, और इंशाल्लाह आपके जो परिंदे हैं वो सही रहेंगे। मैं आपको एक आधे की क्वालिटी पकड़ के दिखा देता हूँ, सारे भाग के चूज़े एक आधा पकड़ लेते हैं इधर, ये देख रहे हैं आप। फ़िलहाल आपको इसकी आंख बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रही, लेकिन मुझे सिर्फ ब्लैक नज़र नहीं आ रही,
मुझे थोड़ी सी इसकी आँख हल्की सी साफ नज़र आ रही है। अभी ये एक महीने के भी नहीं हुए, 20 दिन के चूज़े हैं ये, और ये फीमेल है, ये चूजी है, चूची है ये, ठीक है। ये जो दोनों आपके सामने जो फिर रहे हैं ना पेयर, ये इन्हीं के ही बच्चे हैं सारे, चारों के चार। ये देखें ये माशाल्लाह लड़ते भी हैं, या कह लें आप, ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह आपने लाजमी पढ़ना है, ठीक होगा जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाजमी आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, कमेंट करना कोई अच्छा सा, और नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।